हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने राइट जजमेंट के बारे में पढ़ा था। ये एक स्टोरी है जिसमें कि दो फ्रेंड्स हैं, जुम्मन और अलगू। उन दोनों की दोस्ती के बारे में ये स्टोरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जुम्मन की एक आंटी होती है और उनसे उनको एक प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी में से मतलब उनको खाना पीना भी उनकी वाइफ अच्छे से नहीं देती और उनके साथ गलत बिहेव करती है। जिसे तंग आकर जो आंटी है वो एक पंचायत बैठाती है और अलगू जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है उसको उस पंचायत का सरपंच बनाया जाता है, जो कि जुम्मन के खिलाफ निर्णय देता है कि जुम्मन को अपनी आंटी को हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, या तो भत्ता देना पड़ेगा, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो फिर से अपनी प्रॉपर्टी अपनी आंटी के नाम कर दे। यहां तक हमने पढ़ा था। और इस दिन के बाद से अलगू और जुम्मन के बीच में दुश्मनी हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। अब हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों के बाद, अब एज बैड लक वुड हैव इट, जैसे कि मतलब दुर्भाग्य कहें इसे आप, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। अलगू चौधरी को अपना मतलब एक बहुत दुखद उसके साथ घटना हुई। वन ऑफ हिज नाइस पेयर ऑफ ऑक्सन डाइड, उसके बेलों का मतलब जो सबसे अच्छे बेलों का जो ग्रुप था, पेयर था, उसमें से एक मर गया, एक जो ऑक्स था एक बेल मर गया। एंड ही सॉल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। उसने जो बचा हुआ जो बेल था उसको समझू साहू, जो कि कार ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी चलाने वाला था गांव का, उसको बेच दिया। द कंडीशन वॉज दैट साहू वुड पे द अमाउंट ऑफ द ऑक्स इन अ पीरियड ऑफ मंथ। तो कंडीशन, शर्त क्या थी कि समझू साहू जो है वो अपने बेल का जो पैसा उसको देने वाला था वो एक कुछ महीनों में दे देगा। एज सून एज समझू साहू हैड द ऑक्स, जैसे ही समझू साहू को ऑक्स मिला, ही बिगेन टू ड्राइव इट हार्ड, वो उससे बहुत काम करवाने लगा ऑक्स से, ठीक है। ही मेड 3 or 2-4 ट्रिप्स एवरी डे विदाउट केयरिंग टू फीड द एनिमल प्रॉपरली। वो 3 से 4 ट्रिप रोज करता था, उसके खाने का उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था ऑक्स के खाने पीने का। इट सो हैपेंड दैट द ऑक्स डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि वो ऑक्स जो था वो बेल एक महीने के अंदर अंदर ही मर गया। आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑक्स सेवरल मंथ पास्ट, उस ऑक्स की डेथ के बाद कई मंथ गुजर गए। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द बुलक्स अमाउंट, अलगू उस साहू को मतलब समझू साहू को बुलक के अमाउंट के बारे में बार बार याद दिलाता रहा। ही हैडन्ट पेड येट, जो कि उसने अभी तक पे नहीं किया था। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू को बहुत गुस्सा आ जाता है। आई कांट पे यू पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें एक रुपया भी उस घटिया प्रकार के किस्म के जानवर के लिए नहीं दे सकता हूँ जो कि तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रून, वो हमारे पास कुछ नहीं लाया जबकि सिर्फ और सिर्फ उससे हमें बर्बादी ही हुई है। आई हैव एन ऑक्स, मेरे पास एक ऑक्स है, यूज इट फॉर अ मंथ, जाओ एक महीने के लिए उसको यूज कर लो, एंड देन रिटर्न टू मी, और फिर मुझे फिर से रिटर्न कर देना। नो मनी आई विल गिव फॉर द डेड ऑक्स, मैं मरे हुए ऑक्स के लिए एक रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें, सेड समझू साहू एंग्रीली, गुस्से से उस साहू ने ऐसा कहा उसको, अलगू को, ठीक है। द विलेजर्स ट्राइड टू पेसिफाई बोथ द पार्टीज, जो गांव वाले थे, पेसिफाई मतलब शांति स्थापित करना, उन दोनों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच में शांति स्थापित करना चाहते थे, बट दिस डिडंट वर्क, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दे आस्क्ड फॉर अ पंचायत टू बी कॉल्ड टू सेटल द इश्यू, और फिर क्या फाइनल हुआ कि पंचायत बैठाई जाएगी। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू पंचायत, अलगू ने पंचायत में अपना केस मामला ले जाने की निर्णय किया। फॉर अ सेकेंड केस इन फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन ऑफ फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड क्लेमेंट्स स्टार्टेड टू मीट विद द पीपल टू सीक देयर सपोर्ट। तो जो कुछ ही महीनों मतलब कुछ ही महीनों में दूसरी पंचायत बैठ गई थी, है ना, और उसके लिए मतलब सब तैयारियां होने लगी। सब लोग अपने अपने जो क्लेमेंट्स थे मतलब जो पक्षकार थे, अपना अपना पक्ष रखने वाले, उन्होंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया और उनका साथ प्राप्त करने की आशा करने लगे। मतलब अलगू ने भी अपना मामला लोगों को सुनाया होगा और समझू ने भी अपना मामला दो लोगों को सुनाया होगा ताकि वो उनका सपोर्ट प्राप्त कर सके। द पंचायत वॉज हेल्ड बिलो द बनियन ट्री, फिर से पंचायत बनियन ट्री के नीचे लगाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू ने कहा, खड़ा हुआ और बोलता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, मतलब जो पंच की आवाज है वो भगवान की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, साहू को ही हेड पंच चुनने दो। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, और मैं उसके जो भी डिसीजन होगा उसका पालना करूंगा। साहू गेन्ड द चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू को चांस मिल गया और उसने किसका नाम दे दिया, जुम्मन, जो कि उसका दुश्मन बन गया था अलगू का, और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। अलगू टर्न्ड
पेल टू हियर हिज नेम, अलगू उसका नाम सुन के पीला पड़ गया, किसका, जुम्मन का, देन जुम्मन हैड बीन नॉमिनेटेड द हेड पंच, और फिर जुम्मन को सरपंच बना दिया गया। जुम्मन बिकेम कॉन्शियस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुम्मन को बिल्कुल एकदम कॉन्शियस मतलब एकदम से उसका ध्यान आया, चेतन अवस्था में आया, द मोमेंट ही वॉज गिवन द हाई ऑफिस ऑफ द सरपंच ही रियलाइज दैट एट दिस मोमेंट ही वॉज सीटेड ऑन द हाइएस्ट थ्रोन ऑफ जस्टिस एंड राइटियसनेस। तो जुम्मन मतलब जब बैठा उस सीट पर, सरपंच की सीट पर बैठा, उसको महसूस हुआ कि उसी क्षण उसको महसूस हुआ कि ये जो सीट है जो कि जहां पर वो बैठा है न्याय और सत्य की सीट है, सबसे बड़ा ऊंचा जो पद है ये वो है, यहाँ पर बैठा है। वॉट एवर ही अटर्ड, जो भी वो बोलेगा, नाउ वुड बी द वर्ड ऑफ गॉड, वो किसके शब्द होंगे, भगवान के शब्द होंगे। एंड एनी प्रेजुडाइस ऑफ हिज माइंड मस्ट नॉट कंटेमिनेट द वॉइस, और उसके दिमाग का मतलब कोई भी शब्द उसके शब्दों को मतलब पक्षपात नहीं कर सकता यहाँ पर। ही मस्ट नॉट डेविएट इवन अ बिट ऑफ ट्रूथ, वो मतलब एक सत्य का एक शब्द एक टुकड़ा भी गलत नहीं कर सकता यहाँ पर इस सीट पर बैठने के बाद में। ही पर्सनल हिज पर्सनल फीलिंग डिड नॉट अलाउ हिम गिविंग द रॉन्ग डिसीजन, और उसकी जो पर्सनल व्यक्तिगत जो उसकी फीलिंग थी उसने उसको रॉन्ग डिसीजन देने का बिल्कुल भी उसमें सामर्थ्य पैदा नहीं हुआ, मतलब वो रॉन्ग डिसीजन दे ही नहीं पाया। बोथ द क्लेमेंट्स अलगू एंड साहू केम फॉर देयर ट्रायल, जो दोनों क्लेमेंट्स थे, क्लेमेंट्स मतलब जो दोनों पक्ष वाले वो दोनों अपने अपने ट्रायल के लिए आ गया है। बोथ ऑफ देम वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उन दोनों का क्रॉस एग्जामिन किया गया, क्वेश्चंस उनसे पूछे गए उल्टे सीधे, एंड द केस वॉज कंसिडर्ड, और केस को पूरी तरीके से जाना गया, उस मामले को समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और घोषणा करता है कि इट इज अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द अमाउंट ऑफ द ऑक्स, कि साहू को अलगू का जो ऑक्स का अमाउंट है वो देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द ऑक्स, जब साहू ने ऑक्स को खरीदा था, इट सफर्ड नो डिजीज और डिसेबिलिटी, वो किसी भी मतलब बीमारी या किसी भी अयोग्यता से सफर्ड नहीं था, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ऑक्स वॉज अनटाइमली, और डेथ जो ऑक्स की डेथ हुई है वो अनटाइमली हुई है। फॉर दिस अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड, और जिसका कारण जिसका मतलब दोषारोपण अलगू को नहीं किया जा सकता। अलगू गेव नो प्लेस टू देयर पर्सनल फीलिंग्स और रिवेंज, अलगू जो था उसने मतलब पर्सनल फीलिंग और रिवेंज जो था उसको कोई अपने दिल दिमाग में जगह नहीं दी। वो खड़ा हुआ, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ और जोर जोर से कहने लगा, पंचायत इज विक्ट्रियस, पंचायत की जीत हुई, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की आवाज में रहता है। विक्ट्री इज पंच परमेश्वर, विक्ट्री टू द पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर की जीत हुई। एवरीवन एडवाइड जुम्मन एट जजमेंट, सब लोगों ने जुम्मन के न्याय की प्रशंसा की। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और जल्द ही मतलब इसके बाद जुम्मन अलगू के पास आए, एम्ब्रेस्ड हिम, उसको गले लगाया हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैव कम बिकम योर फॉय, मतलब पिछली जब पंचायत बैठी थी तो मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई फेल्ट, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ दैट आई मीन टू बी अ पंच, इट मीन टू बी अ पंच, कि पंच बनने से ही ये मामला हुआ था, क्योंकि द पंच हैज नो फ्रेंड और फॉय, क्योंकि पंच का कोई ना तो साथी होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, उसको सिर्फ और सिर्फ न्याय पता होता है। नो वन डेविएट, डेविएट मतलब विचलित होना फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब कोई भी एक पंच जो होता है वो दोस्ती या दुश्मनी की वजह से विचलित नहीं करना चाहिए अपने न्यायों को अपने आप से। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड स्टार्टेड ब्लोइंग टीयर्स ऑफ फ्रेंडशिप, अलगू ने भी उसको गले लगा लिया अपने दोस्त को और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे दोस्ती के। हिज टीयर्स वॉश्ड ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अवे बिटवीन देम, और अलगू के जो मतलब उन दोनों के जो आंसू थे उन्होंने उनके बीच में जो गलतफहमी की जो डर्ट लगी हुई थी मतलब जो धूल मिट्टी चढ़ गई थी उनके रिश्ते पर वो सारी धो दी, और उसके बाद से वो दोनों फिर से हमेशा की तरह अच्छे दोस्त बनकर पक्के दोस्त बनकर रहने लगे। हियर कंप्लीट्स अवर स्टोरी, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।